जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरीज हो गया, मेडिसिन के बिल हो गए, किराया, ये निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। मेरी 31 साल उम्र है, देखो बाल चढ़ गए। अब जैसे उसके इतना डीप वुंड है कि उसकी जो ये रीढ़ की हड्डी की जो ऊपर है वो पूरा बाहर ओपन में है। The difference is that there are certain medications you would use in humans that you can't use in animals because they're toxic. For example, paracetamol is very common in people, but if you give paracetamol to a cat, you'll most likely kill it. तो एक बार ऐसा भी हुआ था, एक बाइकर था जो जिसको स्पीति जाना था राइड पे, लेकिन उसको एक डॉग मिला एक्सीडेंट, यहाँ कुछ हो नहीं पाया, तो रात को ही बाइक में लेके दो दोस्त लेके हमारे पास पहुँचे। कई बार तो ऐसा हुआ है नज़दीक वाले को गाड़ी छोड़ने गई है, गाड़ी नहीं पहुंची, उससे पहले डॉग वापस आ गया। तो यहाँ पर ना उसके जो सुई होती है जो हम सिलाई में काम करते हैं घर में, देखो कपड़े जब फट जाते हैं वो सुई निकली अंदर उसके। जब तुम उस गाय को उतारोगे ना तो वहां पर भी उसके हाथ में टीमैक दे देना, तीन डिब्बे टीमैक स्प्रे है ना, उनको बोल देना ना आपकी जो कि हम कल भी आएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए। हाँ चलो फिर निकलो आप लोग रेस्ट में, सब कुछ डाला है। स्ट्रैप्स हमारे पास है नहीं, स्ट्रैप वाली रस्सी ना नहीं, नहीं गाय को जेसीबी से ही उसको उठाया जाएगा, वो हाथ से ही उठेगी, जेसीबी है बी आर ओ की, तो ये कॉफी विद करण नहीं है। अभी जो इंट्रोडक्शन में आपने एक छोटा सा क्लिप देखा वो मनाली स्ट्रीट्स एक लोकेशन है, यहाँ पे एक शेल्टर होम है जो कि हरिपुर कुल्लू से थोड़ा आगे है, मनाली और कुल्लू के बीच में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जियोलॉजिकली। वो रेस्क्यू वीडियो था जो एक काउ के ऊपर अटैक हुआ था लेपर्ड का, जिसकी डिटेलिंग अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, उसका आपने इंट्रोडक्शन देखा। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कमलेश जी से और बेकी से जो कि पार्टनर है यहाँ पे और एक शेल्टर होम को रन कर रहे हैं इन अ वेरी रिमोट एरिया, जिसके बारे में मुझे कल पता चला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमलेश जी, thank you so much for giving us your time. Thank you for coming. Now, before I come into the how the whole thing started and things like that, मैंने अभी एक रेस्क्यू होते हुए देखा, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कमलेश जी बता सकें। तो ये गाय है जैसे रोहतांग जाते समय एक जगह है गुलाबा, उससे 4 किलोमीटर आगे, तो क्योंकि वहाँ टूरिस्ट जाता है तो किसी ने देख के हमें फ़ोन किया और उसका वीडियो भेजा, तो जब हमने देखा तो वो तो बहुत ही गंदा इंजरी है, तो वो भालू ने उसको अटैक किया। तो होता क्या है, लोग जैसे सर्दियां ख़त्म होती हैं गर्मियों में जो भी अबैंडन ये बड़ा जानवर है उनको सब ऊपर की तरफ भेजते हैं, क्योंकि ऊपर हरा चारा खाने के लिए उनके पास जगह मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर भालू होता है तो वो पीछे से अटैक करता है हमेशा। अब जैसे उसके इतना डीप वुंड है कि उसकी जो ये रीढ़ की हड्डी की जो ऊपर है वो पूरा बाहर ओपन में है, तो अभी टीम गई है उसको लेने के लिए, फिर देखते हैं कैसे उसको करेंगे हम, लेकिन बहुत मुश्किल है उसका सर्वाइव होना क्योंकि बहुत सारा ब्लड उसमें लॉस हुआ है। तो जनरली लोग फिर ऑनलाइन देखते हैं हमारे बारे में, सर्च करते हैं तो वहाँ से नंबर उनको हेल्पलाइन मिलता है और उससे हमें इन्फॉर्मेशन आती है। फिर सर ये छोटे जानवर को तो समझ में आता है कि एम्बुलेंस में लेके आ गए या फिर वैसे ट्रीटमेंट हो जाता है, बट बड़े जानवर के साथ प्रॉब्लम आती है, उस सिनेरियो में फिर आपकी टीम क्या करती है? बिकॉज़ एक गाय को मूव करना स्पेशली एक वुंडेड एनिमल को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो मैन पावर आपको चाहिए, ऊपर से जो गाड़ी है वो भी आपको बड़ी चाहिए, हमारे पास है नहीं, हमारे पास छोटी सी वैन है। तो अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमने किसी जीप वाले को फ़ोन किया, उसको हमें पे करना पड़ेगा, फिर हमने 3-4 लोग यहाँ से भेजे हैं, फिर वहाँ पर भी हमें कुछ लोगों को बुला के कोशिश करेंगे कि हम उसको ऐसी उठा पाएं। एक तो दिक्कत यह है कि उसको इंजरी ऐसी जगह में है कि ज़्यादा हम उसको हिला डुला भी नहीं सकते हैं, तो देखते हैं अभी उनको भेजा है हमने, उन्होंने हमने कोशिश की अगर हम JCB का भी हेल्प लेना पड़े तो हम JCB भी हम यूज़ करेंगे। ओके जी, नाउ बेकी कमिंग टू यू, आई कैन सी 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज, वन फ्रॉम इंडिया वन फ्रॉम ब्रिटेन, हाउ डिड यू गेट इन टच विद हिम, हाउ डिड यू गाइस मीट? And just tell us the backstory, then we'll come to about this place, how the thing started here. Okay, so I came to India originally in 2012, just for a holiday for a couple of weeks. I really enjoyed it in Dharamshala. I decided to come back and do some volunteer work the following year, so I did that for 6 months. And I just kept extending my trip. I was doing volunteer work in a human hospital. My background is immunology. So I was doing research on TB and HIV in London.
And then after a couple of years when I was thinking I might return home, I was asked to foster a puppy at a different from a different animal rescue in Dharamshala, which is where Kamlesh worked. So I fostered the puppy, which I still have her now, she's 10 years old, Pluto. And I just got more and more involved in that animal rescue, Dharamshala Animal Rescue. I helped them set up a diagnostic lab. I just helped set them up some protocols, helped with diagnosing, treatments. And I ended up staying there for 4 years. And then towards the end of 2018, Kamlesh and I decided to leave and come here to set up an NGO, because before that there was nothing. There was the government vets to help with the cows, other livestock, but in terms of the companion animals, dogs, cats, and especially the street animals, there wasn't anything. So people might see an injured animal and want to help them, but they couldn't really do anything. They may take them to the vet, the government vet, and the vet would treat them, but only there and then. They didn't have anywhere that the dog could stay and recover. So we saw the need for a place where dogs could come, be treated 24 hours a day, and sterilize the dogs. Because if you're only treating problems, then you're just treating a symptom. You have to tackle the actual cause, which is overpopulation. Now, unlike other developed nations, India has a lot of stray animals. From cows to cats to dogs and 10,000 different species maybe I've not even seen in my life. Your background in immunology, PhD, did it help you in transitioning yourself to this particular domain? Because I don't know about how different animal and human DNAs are, except for chimpanzees. I know that's quite similar. But the whole different DNA, different species, how does the treatment time go? Was the transition easy, basically? No, it was, because a lot of the treatments are very similar. You know, you have infections, they need to be treated, wounds need to be treated the same way. The difference is that there are certain medications you would use in humans that you can't use in animals because they're toxic. For example, paracetamol is very common in people, but if you give paracetamol to a cat, you'll most likely kill it. So you can't give, so you need to know things like that. The immune system is generally the same. There's slight differences, but even the information that I didn't know, because when I started doing this I didn't actually know anything about the animal side, because of my background with doing a PhD, I'm very good at researching, finding out the information, filtering through all the data and working out what is rubbish and what to use and things like that. So it was quite an easy transition for me. कमलेश जी, आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, बिकॉज आप लोग धर्मशाला में मिले थे, तो अब साथ में आप, मुलाकात कैसी थी और उसके बाद आपका वर्क प्रोफाइल वहाँ पे कैसा था और आपके जब इंटरेक्शन हुए, बिकॉज आई थिंक यू कम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, आप उस टाइम मैनेजर थे. हाँ जी. एडमिनिस्ट्रेशन से इवेंचुअली लेइंग योर हैंड्स ऑन टू द एनिमल्स नाउ, वो ट्रांजिशन कैसा था और धर्मशाला से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? वैसे तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया था इसमें वेटनरी फार्मेसी में, तो मैं पैरावेट था उससे पहले, तो मैं दिल्ली संजय गांधी में मैंने काम किया, वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह सीखा. जब मैं धर्मशाला आया तो वहाँ पर मैं एज ए पैरावेट ही गया था, तो वहाँ पर मेरा जो फर्स्ट साल था उसमें जैसे ट्रीटमेंट करना, हैंडलिंग, कैचिंग, रेस्क्यू, उसमें मैं था इन्वॉल्व. बाद में मेरे को मैनेजमेंट में डाला गया, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया. जो जहाँ पर हम काम करते थे वो भी बहुत छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है और अभी भी काम करते हैं वो लोग, तो जो वहाँ पर बॉस थी उसने ट्रस्ट दिखाया और मैनेजमेंट में डालने के बाद मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा. तो आसान नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके यूज्ड टू हो गया, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया वो, जैसे लोगों से मिलना, उनको समझाना, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली हेल्प कर रहे हो एनिमल में, लेकिन जब आप जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो आप एक लार्ज स्केल में लोगों को अवेयर कर सकते हैं. फिर जैसे बेकी ने बताया कि एक डॉग को हमने इनको फॉस्टर के लिए बोला था, वो पपी एक्चुअली हम रेस्क्यू करके लाए थे, जब हमें पता लगा डायबिटीज़ है तो हमने इनको बोला कि आप फॉस्टर करिए, तो वैसे हम मिले, उस डॉग की वजह से हम मिले. फिर हमने 4-5 साल वहाँ साथ में काम किया. फिर यहाँ पर से हमें बहुत कॉल आते थे मनाली से डॉग्स के लिए, हिट बाय कार कई बार, तो टूरिस्ट जो दिल्ली के हैं या उन्होंने कभी ऐसी देखा नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे एनजीओ क्लिनिक्स हैं. तो एक बार ऐसा भी हुआ था, एक बाइकर था जो जिसको स्पीति जाना था राइड पे, लेकिन उसको एक डॉग मिला एक्सीडेंट, यहाँ कुछ हो नहीं पाया, तो रात को ही बाइक में लेके 2 दोस्त लेके हमारे पास पहुँचे. तो मतलब इतनी बुरी हालत थी यहाँ पर, यहाँ से मनाली से धर्मशाला लाए वो. तो यहाँ पर फिर एक और वॉलंटियर है, एमा जो को फाउंडर है, वो अभी साउथ अफ्रीका में है, तो वो वॉलंटियर वर्क करने आए हमारे साथ. फिर उनके साथ हमारा लिंक बना, क्योंकि वो यहीं रह रही थी. फिर एक और लोकल हैं ओल्ड मनाली से, तो उनसे हम मिले,
तो फिर यहाँ हम शिफ्ट हुए, फिर धीरे धीरे करके लाइक माइंडेड लोगों से हम जुड़ते गए, तो फिर ऐसे करके स्टार्ट हुई इसकी। देखिए वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स इजी प्राइमरीली बिकॉज़ यू गेट अ जॉब, यू गेट गुड मनी, बैड मनी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन फ्रॉम द स्क्रैच एट अ न्यू लोकेशन, हाउ डिड द आईडिया पॉप अप एंड हाउ डिड द एग्जीक्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस? Well, the idea came around, like Kamala said, because one of the co-founders, Irma, was always calling, saying that she, you know, there was a dog and what should she do? So we were thinking about a change, and it was a case of either maybe going and getting a job in Delhi, which I did not like the idea of going and living in Delhi, or... No one does, no one likes Delhi. Or, you know, doing something meaningful and setting up something where it's actually needed. So we called Irma, told her our idea. She was thrilled and said, yes, come, discuss, have a look around. So we did that. And then made the decision in, we moved here in April 2019. So we knew Irma, and she, luckily, she'd been here for a few years. So she managed to introduce us to some people, but it basically started off with us just driving around, well, riding around on the bus first, wasn't it? Mm. Treating animals whenever we saw them, because nobody knew us, so they wouldn't call. So, and then when they saw us treating the dogs, they would say, oh, can we have your number? So people then would start calling. Eventually we got a motorbike and started traveling around on that. We bought medicines and just started from there. More and more people heard about us. Managed to introduce us to some people in the valley that were very supportive. And then we found this, and this was when it really started, because this was when we actually could rescue animals and start, you know, doing surgeries and hiring people and, you know, getting more of a team together. But it was difficult. मैं आप लोगों को बता दूँ, इस समय इस शेल्टर होम में 57 different types of animals हैं, including dogs, birds, गाय भी है और बिल्लियाँ भी हैं। सारे के सारे एक साथ रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले डॉग फाइट हुई थी, वो भी दिखाऊंगा आपको। बट कमलेश जी, एक नई जगह को शुरू करना, स्पेशली लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में हालांकि लोगों को है कि यहाँ थोड़ा प्यार है सड़क के जानवरों से, बट कोई भी हाथ गंदे करना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि हम जाके स्पेशली ऐसे जानवरों को सब छुएंगे, पर जैसे देखेंगे कोई चोट लगी हुई है या कोई कीड़ा लगा हुआ है तो छूना नहीं चाहता है कोई। ऐसे प्रोफेशन में आके फंडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज एक जगह को चलाने के लिए इट्स बेसिकली एन एनजीओ, आप अपने घर में ज्यादा कुछ लेके जा नहीं रहे हो, आपको भी सर्वाइव करना है। फंडिंग कैसे होती है, कहाँ से आती है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, और कितनी आपको जरूरत है, कुछ थोड़ा बताएं। क्योंकि मैंने अभी आप वीडियो में देखोगे, मैंने इनके लैब्स भी देखे हैं, लैब में हम बैठे हैं, यहाँ पे एक्सरे मशीन है, यहाँ पे जेंसेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मेडिकेशन का स्टोर रूम बना हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। पैसा कहाँ से आता है और कितनी कमी है अभी, क्योंकि मुझे पता है, मैं अगर ये बोलूँ कि पैसा बहुत आ रहा है आपके पास तो वो गलत स्टेटमेंट होगा, बिकॉज आई नो कि ऐसी जगहों पर पैसा कम आता है। सो हाउ डू यू टैकल दैट? बहुत स्ट्रेस होता है, मेरी 31 साल उम्र है, देखो बाल चढ़ गए क्योंकि वेंडर फोन करते रहते हैं, जैसे अभी भी हमारा मेडिसिन का बिल बहुत पेंडिंग है। आता तो हमारे कुछ रेगुलर डोनर हैं जो मंथली में, जैसे कुछ लोग 5,000 करते हैं, कुछ लोग 10,000 करते हैं, कुछ 15, लेकिन बहुत कम लोग हैं वो। और हमारा जो मंथली एक्सपेंस है, हमारा 4 लाख के आसपास छू रहा है, और हम जैसे जो ये प्रेमिसेस है, ये भी इसका भी हम रेंट पे करते हैं। तो जैसे हमने एक्सरे मशीन ली है, ये मशीन ली है, जेनसेट लिया, तो जब हम कोई प्रोडक्ट के लिए फंड रेजर करते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं। जैसे जब हमने एक्सरे मशीन लिया, तो एक इंडिविजुअल ने हमारी हेल्प की उसमें, क्योंकि उनके पास पेट्स हैं, हमने उनके पेट्स का ट्रीटमेंट किया है, और एक बार उनको एक्सरे की ज़रूरत थी, और इस पूरी वैली में एक्सरे मशीन है नहीं एनिमल्स के लिए, तो उनको कनेक्टेड फील हुआ कि हाँ, ये मशीन आई है तो हमको भी फ़ायदा होगा, तो उसके लिए हो गया। जेनसेट के लिए भी किसी ने हमारी हेल्प की। लेकिन जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरीज हो गया, मेडिसिन के बिल हो गए, किराया, ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मेन फंडिंग, जैसे हम लोग पेट्स को जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनको हम चार्ज करते हैं मिनिमल, तो वहाँ से हमारा फंड्स आता है। कई बार विजिटर आते हैं, वो लोग डोनेट कर जाते हैं। उतना अच्छा भी सिचुएशन है नहीं फाइनेंस जो फंडिंग का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे रेगुलरली हमें फंडिंग कहीं से आ रही है, अभी बहुत रैंडम है। कभी जैसे आप आए या कोई आया, वो डोनेट करके चला गया, या कभी किसी ने कर दिया कहीं से,
तो एक तो है जो हम पेट ट्रीटमेंट करते हैं उससे, दूसरा हम लोग ऑनलाइन फंड रेजर हम करते रहते हैं, जैसे जनरेटर के लिए हमने डाला था, अभी हम मेडिसिन के लिए कर रहे हैं, जैसे मिलाप में, इम्पैक्ट ग्रो में, गिव इंडिया में, इस तरीके के हमारे फंड रेजिंग इवेंट चलते रहते हैं। क्योंकि मनाली बहुत छोटा सा जगह है, यहाँ पर कोई ऐसा CSR का भी कोई अप्रोच नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ नहीं है जो काम कर रही हैं। और जब से हमने स्टार्ट किया उस टाइम कोविड था, उसके बाद लास्ट ईयर आपको पता होगा इतना बड़ा फ्लड आया, तो उससे सिचुएशन और भी ख़राब हो गई, क्योंकि मनाली टोटल टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। तो जो भी जैसे हम हमको सपोर्ट करते थे होटल वाले या जो भी लोकल्स थे, तो उनके पास खुद के काम नहीं चल रहा था, तो चैलेंजेस बहुत हो रहे हैं, अभी भी हमें हो रहे हैं, लेकिन हो जाता है। आई थिंक मेरे को ये लगता है कि जब आप अच्छा काम करते हो तो कहीं ना कहीं से भगवान कुछ ना कुछ कर ही देता है, कहीं से खुल जाता है। ऑनेस्टली कई बार मैं भी हम सोच के सोचते हैं जब यार कि तो हमने इतना कुछ अचीव कर लिया इतने कम टाइम में, क्योंकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने भी काम किया उनको भी अभी 10-12 साल हो गए हैं, उनके पास भी अभी चीज़ें नहीं हैं जो हमने इतने कम टाइम में यहाँ पर अचीव कर लिए हैं, लेकिन चला हुआ है, अभी उतना अच्छा नहीं है, होपफुली आने वाले टाइम में क्या पता ठीक हो जाए, और भी लोग जब जुड़ेंगे और भी लोग देखेंगे तो शायद और सपोर्ट मिले। अब इसके पहले कि मैं इस पॉडकास्ट में आगे बढ़े, एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने इस लोकेशन में बनाया, जहाँ पे देखिए वाज काइंड ऑफ शी टुक मी अराउंड द प्लेस, और उन्होंने दिखाया कि कैसे जानवरों को रखा जा रहा है, किस तरीके के जानवर है, कुछ पेट्स भी हैं जिनको यहाँ पे कुछ समय के लिए छोड़ा गया है। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आगे और कन्वर्सेशन करते हैं। क्या हुआ इसे? इसको ना डॉग वाइटिस के विंग में इंजरी है। अच्छा जी, ठीक हो जाएगा? हाँ, इसको मैंने पेन किलर वगैरह दे दिया है अभी, तो अभी हम इसको वाइल्ड लाइफ में भेज रहे हैं। अच्छा, इसको ना अपने रंगड़ियों में देना, रंगड़ियों वाइल्ड लाइफ का है ना, रंगड़ी में? हाँ, क्योंकि ना ये मनाली में, क्योंकि ना यहाँ पे इन डॉग्स हैं, काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेस में आ जाएगा, नहीं तो ये मनाली में कहाँ जाते हैं? वो कमलेश जी को बताऊँ, बताता हूँ आपको, आप किसी को भी पूछोगे ना वाइल्ड लाइफ वाले कहाँ पे, तो कोई बता देगा आपको। वो रख लेंगे ना? हाँ, वो रख लेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं ना, ये बेचारा उनके स्ट्रेस में आगे मर जाएगा, वहाँ पे क्या उनके पास पिछला वगैरह सब कुछ है। Rex. They live here? Yeah, so Rex, he doesn't have front paws, they were burnt. Hey Rex. Speaking of yeah. So this is the extension of the hospital, is it? Huh? The construction on the top? Well, we are not doing it, I mean the landlord. Okay. We have leased it out along with lease. Okay. But he's doing the roof lenter, but eventually he will ask us to rent it out also. Okay. Yeah. Radiation area. So this is just a storeroom where we keep all the medicines, and then in here our X-ray machine. So we this year we just got an X-ray machine. Okay. Somebody locally was kind enough to sponsor it, which is really good. And the manual as well. And this is the Kaju. Oh, this is Kaju. Yeah, so he was abandoned. Kanalsar told me about him. Yeah. So unfortunately he'll be with us just until he's old enough to fend for himself. But at the moment he still drinks milk. So we'll keep him for... So you hand feed him? Yeah. It's a he, right? Yes. Okay. Yeah, they only abandon the males, don't they? They only abandon the boys. That's an eagle, right? It's a kestrel. Look, an Archie, he's so naughty. So they came to us just as tiny fledglings. So we're hoping to, he's starting to fly now, so we're just waiting for him to be able to fly off, and then we can release him, luckily. But yeah, they have to stay in this one with the roof, otherwise Archie would go in. And these are the naughty monkeys. Hey Coco. Hey Coco. She can like looking in my pockets to see if there's food. Treats in the pocket. Yeah, but there's nothing. I don't have anything, sorry. No. So this is the one you got at a very young age. Yeah.
And that's the one with the back foot? Yes, so she's got no legs from the knee down. Watch her, she'll grab that. फिर लेके क्या करोगे? Me? Okay. How old is he now? This one is probably a year and a half. So yeah, they're here temporary. We're hoping we can find somebody that will take them as a more permanent basis in a bigger enclosure with some trees and nice things for them. So once he gets older, you're going to release them in the wildlife? That's the problem is now they can't be released. No, because she's been with us since she was a month old. Okay. And she doesn't have any back legs. Okay. So they wouldn't survive. So we have to try and find somewhere in India that's a place for rescue. So how did her head get injured? It's all to do with being electrocuted. Okay. No. What after that? What after that? Then take photos, make videos, become a vlogger maybe. So we separate the dogs based on what's wrong with them, their temperament, things like that. Because obviously if you just have 50 or 60 dogs all together, they're going to fight, spread disease. It's not a good idea. So are these all strays, or do you also get dogs who are abandoned maybe on the streets? They're nearly all strays. Occasionally we'll find some pet that's been abandoned, but so far we've been quite lucky that we then, because it's nearly always a breed dog, mm-hmm. that we've managed to find homes for them. So okay. We don't end up having to keep them, because that's the problem is the more dogs that you keep on a permanent basis, then you could, there's only so much room here, so you can only True. Probably have 60 animals, mm-hmm. which is roughly what we've got at the moment. And if you kept them all the time, then you can't rescue or help anymore. True. You just become a sanctuary, yeah. which is not the answer in and India. And it's not feasible also. No. I went to it is actually like a sanctuary in Noida. Mm. Huge farmhouse, like yeah. huge property. They have about 500 dogs. Wow. Different breeds, abandoned, yeah. sheltered, yeah. Just taken off from the streets, right. pets being just left at the doorsteps, yeah. you know, tied down with a note maybe and things like that. Yeah. But they're also doing some amazing work. Yeah. Because some of the dogs there are so abused. If you yeah. try to, if you come this close to them, they'll start crying. Because yeah. they are so mentally yeah, traumatized. Yeah. So yeah, all these dogs, once they're healed and whatever medical problem they've got has been treated, we sterilize them and then vaccinate against rabies and then we release them back. So when you go on rescues, especially dogs, cows I can still understand, they are very, you know, docile animals. Mm. They don't attack per se, but dogs can be aggressive. Especially even if you try to help them because they are in pain or whatever yeah. reasoning. How do you handle that situation? Well, we're actually quite lucky in the majority of the animals are mm-hmm. very friendly. So we are quite lucky. You'll get some that they are scared. They've either, like you say, they're in pain or they've just been mistreated by people and so they don't trust people. Mm-hmm. So then normally we just have to either try and approach using treats and try and get them to come to us. But if that fails, then we have usually one chance to catch them and we have to use the nets that you okay. get. So you kind of have to sort of creep up on them, wait mm-hmm. until they're not looking and then put the net over them. And then they struggle for a few seconds mm-hmm. and it's a bit of a shock. But then they soon calm down and then once they're here, we work on them and start to build up their confidence. We've had quite a few dogs that have been terrified when they've come. Mm-hmm. They won't come near people, they're shy away. But by the time they've left, they've been really friendly. So give them a few weeks of some, you know, nice interactions with humans and they can change. This is a friendly lot. Yeah, these ones are all very friendly. So this is actually a pet. He's here just because his owner is away. So we're just looking after him. So he'll go back home? Yeah, yeah, yeah. And then there's a couple of others that are actually inpatients, so they'll be treated and they'll go. But there's a few, so these four, the two, three black ones, this one and the other black one, they're permanents here. So we've rescued them for various reasons, but then we've had them for a set period of time and then realize actually we can't release them because of one thing or another.
And so we've decided, okay, with small number, we'll offer permanent home for them. We talked about while we were outside, we talked about how some pets are also left at your doorsteps for a few days because people are going out. But there are calls also taken by you guys in terms of whether the animal will be sent back into the wildlife or not, mm-hmm. for various reasons, be it a dog, be it the monkeys that we saw. First, tell me the reasoning behind the dogs, because people think that stray dogs can survive anywhere. So what are the probable reasons for you deciding that, okay, this dog is not ready for the roads anymore, it needs a permanent house? Then we'll come on to the monkeys and the cow, but first talk about the dogs. Okay. So with dogs, it's mainly, will this dog survive on the streets? So 99% of the cases, it's a yes, you know. You might rescue a very tiny puppy that might be only a week or 2 weeks old, and if it happens to survive, that dog would not survive on the street because it hasn't learned any survival skills. So you have to get it home. And if you don't find it at home, then it becomes a permanent dog. So, you know, you've got to be very careful with the very small puppies. Older dogs, adults, they won't get adopted. Very rarely will they get adopted. So if a dog comes in and, for example, I'm just thinking, for example, we have a dog called Leonardo. She had something called distemper, which is a virus. So she recovered from distemper and on her own, she was fine. But what's happened is the virus has attacked the nerves to her legs. So she's not able to stand properly. So she'll walk, but she walks with her legs tucked under her body. Okay. So she can move around, but if she was on the street, she would not survive very well because she can't get away from traffic very easily crossing the roads. She'd probably just get hit within a few days. Other dogs probably might attack her because she doesn't look right, she walks funny. So we made the decision to let her stay here. So we have at the moment 8 permanent dogs, and those are ones, so we have another dog, for example, that walks around in circles. We rescued her when she was 3 months old. At first, people thought that she might have rabies, but we showed that it wasn't rabies, she survived. She had walking in circles, so she couldn't be released because she'll walk straight into cars. So again, it was a case of you put her back on the street and she'll most likely, 100% not survive. So a few of them we keep. The other dogs that we would say, no, they won't survive, but we're not going to, we can't offer them a permanent home, are the ones that are paralyzed. So a lot of dogs get hit by cars, unfortunately, and sometimes if they're lucky, they have a broken leg. But otherwise, the worst cases are they end up with a broken back, and they're paralyzed completely from their hind legs. So they can't walk, they can't urinate, they can't defecate. If they urinate, they get open wounds because urine causes those kinds of wounds. They get infections, they get bladder infections. So, you could keep them and just watch them drag themselves around the mud. And there's a few rescue organizations that they only deal with disabled dogs, so that's great. But we can't do that, we have a continuous turnover. So we have to make a decision. Certain dogs, sadly, we put to sleep, so they're not suffering. Dogs with distemper that are in the active phase and again are paralyzed, or broken dogs with broken backs are the main two categories where we would do that. But otherwise, they go back on the street, and when you see them, actually, when you release them, they're so happy to actually go back on the street. They go to their home, where they're from, there's the community members usually greet them, and then, they don't need to be locked up in a kennel for the rest of their life just to survive. When you release them, do they come back to visit you to say thank you? Okay, some of them do. If a few times we've ended up having to rescue a dog that's within quite a small area from around here, and then they do come back. कई बार तो ऐसा हुआ है नजदीक वाले को गाड़ी छोड़ने गई है, गाड़ी नहीं पहुंची उससे पहले डॉग वापस आ गया. What about the monkeys that we saw? So the monkeys, they're here under treatment. So I know you saw one, she still has quite a bad burn wound on her head.
and she has no legs from the knee down. So even if that burn, when it completely heals, she can't be released because she's got no legs, you know? And also her group would most likely not accept her anyway. And then Coco, the other monkey, we've had her from about maybe a month old, so she doesn't know how to survive. And again, she has no group to release her to. So they are with us until we can figure out a more permanent solution for them, because we are not set up for monkeys. They need space and they need trees and, you know. So at the moment we have them in like a kennel area, but it's rapidly becoming too small for them because they want to swing around and play. And so we're hoping to reach out to some organizations within India that do take in monkeys, and they specialize in rescuing monkeys. And hopefully they can move there at some point in the future and be introduced to a new group and have a proper life as a monkey as best they can that's not in the wild. Kamlesh ji, do din questions ek saath puchunga aapse. Surgeries jab hoti hain, and these are complicated processes, kai bari acche shaharon mein bhi wrong diagnosis hote hain. Mere kutte ka bhi mere kaam mein wrong diagnosis hua, but ek to saal aur survive karta hu mujhe aisa lagta hai. Surgeries ke baad ke rehabilitation ke kya process hai yahan pe, aur abhi kitne log yahan pe kaam kar rahe hain? Are they all volunteers ya fir kuch salary pe bhi hai? Because again, फिर वो फंडिंग वाला पार्ट फिर चाहिए, पैसे चाहिए उसके लिए. तो अगर सर्जिकल प्रोसेस के बारे में और कौन कौन है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल आप दे सकें. तो सर्जरी का ये रहता है, डिपेंड करती है किस प्रकार की सर्जरी. जैसे यहाँ पर हम लोग सारी सर्जरीज करते हैं, जैसे एम्पुटेशन हो गया, आई न्यूक्लिएशन हो गया, नॉर्मल जो आपकी रूटीन सर्जरी होती है, स्पे न्यूटर यार, ये सारा हम करते हैं. तो जैसे स्पे न्यूटर में क्या होता है, हम सर्जरी के बाद हम उनको 3 से 4-5 दिन यहाँ रखते हैं उनका पोस्ट ऑपरेटिव के लिए, इंसिजन देखने के लिए. और जैसे अगर एम्पुटेशन हुआ है तो उस केस में हम उनको और लंबा थोड़ा इंटेंसिव उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि पूरा लिम कई बार काटना पड़ता है, पेन किलर उनको सुबह शाम देना होता है, उनको आई वी ड्रिप लगाना पड़ता है. उस केस में हमें उनको कई बार 15 से 20 दिन रखना पड़ता है. तो आपने जैसे बताया कि 50-60 हमारे पास कुत्ते हैं अभी, तो इस सब चीज़ के लिए आपको लोग चाहिए. और कई बार ना वॉलेंटियर के ऊपर आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जब टाइम होगा तब आएंगे, क्योंकि उनको आप फोर्सफुली नहीं काम करा सकते हैं. तो हमारे पास अभी 10 स्टाफ है, जिसमें अलग सारे डिफरेंट एक्सपर्टी के लोग हैं. जैसे एक डॉक्टर हैं जो सर्जरीज भी करते हैं, फिर 3 पैरावेट्स हैं जिन्होंने टेक्निकल पढ़ाई की है एनिमल्स के बारे में, जो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं डॉक्टर की, फिर एक एनिमल वेलफेयर पर्सन है जो मेक श्योर करते हैं कि सारे जानवरों का ब्लैंकेट्स, पानी सब कुछ क्लीन है, उनके केज के अंदर कोई गंदगी तो नहीं है. फिर एक ऐसा स्टाफ और 2 लोग ऐसे हैं जो उनका फीडिंग का ध्यान रखते हैं, और एक सोशल मीडिया के लिए है जो चीज़ें डालती हैं आगे. तो अभी 10 पेड स्टाफ है जिनको हमें सैलरी देना पड़ता है, और 3 हमारे पास वॉलेंटियर भी हैं. अभी आजकल ही वो आए हुए हैं, एक महीने से, और एक अभी 4-5 दिन पहले आए हैं. तो वो पुराने वॉलेंटियर हैं, पहले भी आए हैं. तो वॉलेंटियर होने से भी बहुत हेल्प होती है, जैसे इनका वॉकिंग हो गया, नहलाना है, खाने में हेल्प, क्लीनिंग में हेल्प, तो ऐसी हेल्प हो जाती है. सबसे चैलेंजिंग सर्जरी या फिर सबसे चैलेंजिंग रेस्क्यू अगर कुछ है आपके दिमाग में, इंस्टेंटली कुछ पॉप आया तो अगर कोई स्टोरी शेयर कर सकें. चैलेंजिंग सर्जरी एक बार थी, एक डॉग आया था और उसका पेट एकदम बढ़ रहा था, और जब हमने खोला उसको तो अंदर एक तो पानी था, और ऊपर ना इंटेस्टाइन में उसके कुछ फंसा हुआ था, डॉक्टर ने देखा. और हमने कभी वो सर्जरी उन्होंने की नहीं थी, लेकिन अब वो ऐसा हो गया कि उसको हम आगे भेज नहीं सकते थे, क्योंकि वो उतना टाइम था नहीं हमारे पास. तो हम सारे लोग मतलब डरे हुए भी थे, क्योंकि कभी ऐसा किया नहीं, और उस टाइम हमारे पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, जैसे एक्सरे मशीन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था. तो उसमें बहुत टाइम भी लगा, बहुत लंबी भी सर्जरी चली वो. एक वो थी, और एक सर्जरी ऐसी थी जिसमें एक फीमेल डॉग प्रेग्नेंट थी और काफ़ी टाइम से लेबर में थी वो, जैसे बच्चे हो नहीं रहे थे. तो उस केस में ये हो गया था कि हम लोग काफ़ी लेट आए थे, वो डॉक्टर जाने लगे थे, और हमने उस दिन का सारा सर्जरी भी कर दी थी. तो उस केस में फिर हमको उसको खोलना पड़ा, और बच्चे भी हमने बचा लिए थे और माँ को भी बचा लिया था. वो भी बहुत टफ सर्जरी, दैट सीजेरियन वी डिड यू नो द इंजन. या रिसेंटली हमारे पास एक्सरे मशीन आने के बाद एक और डॉग था, उसकी हिस्ट्री ये थी कि उनको भी पता नहीं था ओनर को कि क्या हुआ है. तो ये पूरा नेक के पास बहुत सारी इन्फ्लामेशन था, और वो खाना भी नहीं खा पा रहा था, और हार्डली ब्रीथ कर पा रहा था. तो हमने जब उसको एक्सरे में डाला, लकीली एक्सरे मशीन थी, पहले एक्सरे मशीन जब नहीं थी तो हमें दूर जाना पड़ता था, कई बार वो लोग मना कर देते, कई बार लाइट नहीं होती थी. तो यहाँ पर ना उसके जो सुई होती है, जो हम सिलाई में काम करते हैं घर में, देखो कपड़े जब फट जाते हैं, वो सुई निकली अंदर उसके एक्सरे मशीन में. तो हमने उसको फिर जब निकाला, और वहाँ से इतना सारा पस निकला और वो सुई निकली बाहर, और हफ्ते बाद जब वो डॉग आया ना, आप पहचान विश्वास नहीं कर सकते थे कि मतलब कितना
फुल रिकवरी उछल रहा है कूद रहा है, और जिस दिन वो पैलेटिन आया था लग भी नहीं रहा था कि सर्वाइव करेगा। आई थिंक हुआ क्या कि खाने में बाउल में आई थिंक गिरा था और उन्होंने देखा नहीं है, खाना डाला वो खाने के साथ खा गया। एक और क्वेश्चन जो आप दोनों से पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर्स को जनरली माना जाता है कि इमोशंस नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन हो या जानवर आपको जाके बैड न्यूज देना पड़ता है कभी ना कभी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, दैट्स व्हाट डॉक्टर्स से। ऐसी सिचुएशन में हालांकि जिनके ऊपर गुजरती है, आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन कि उनको बुरा लगता है, बट वो गुस्सा निकलता है आपके ऊपर कि आप ही ने कुछ गलती करी होगी, क्या ऐसी सिचुएशंस आती है रेगुलरली, या फिर कि लोग कहते हैं कि आपने सही से नहीं किया, या फिर अगर वो भी नहीं तो आप जब कहते हो जाके कोई बैड न्यूज़ देनी होती है, एम्पैथी बेसिकली उसका कितना रोल है एंड हाउ डू पीपल रिएक्ट टू बैड न्यूज़। हाँ तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे रेस्क्यू में ना बहुत, जैसे हमारे पास तीन चार प्रकार के, एक तो जैसे फाइनेंशियल चैलेंज होता है, फिर एक मेंटल चैलेंज होता है, एक इमोशनल चैलेंज जो लोगों को कई बार दिखता नहीं है, जैसे आपने बताया कई बार हमारे अपने पेशेंट के साथ होता है। जैसे ऐसे भी केस हुए हैं, एक डॉग आया हमारे पास, सब कुछ ठीक हुआ, हमने छोड़ दिया, कई बार वो डॉग दोबारा से हिट हो जाता है और उस टाइम में वो ऐसा हिट हुआ होता है कि हम बचा भी नहीं पाते हैं, हमें ऐसा डिसीजन बनाना पड़ता है कि उसको परमानेंटली वो करना है, तो उस केस में ना अटैचमेंट हो जाती हैं। और पेट्स के साथ हाँ मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों, जैसे आपने बताया कि क्योंकि वो उसका तो पेट है, उसके साथ उसकी अटैचमेंट है, और हमारे पास तो जैसे वो आज ही ट्रीटमेंट के लिए आया तो उतना अटैचमेंट नहीं रहता है, मुश्किल होता है, कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं, गालियाँ देने लग जाते हैं, कई बार तो लड़ने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं केस देख के पहले ही उनको एक्सप्लेन हम कर, जैसे हम कोई भी सर्जरी करते हैं हम पहले ही बता देते हैं कि एनेस्थीसिया ये रिस्क हो सकता है, ये चैलेंजेस हैं, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कई बार उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं तो मुश्किल तो होता है, मुश्किल काम है, वी फील या वी फेस सम, मुश्किल है क्योंकि क्या ना इंसान बीमार हो तो बंदा बता सकता है यार कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे ये हो रहा है, मेरे ये हो रहा है। डॉग के साथ क्या है कि कई बार क्लाइंट भी हिस्ट्री प्रॉपर नहीं देते हैं, जैसे उन जो वो डॉग में बता रहा था सुई थी उनको भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, जब तो थोड़ा सा वेटनरी साइंस और भी कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए, क्योंकि उसको जो क्लाइंट की जो हिस्ट्री बता रहा है उसके हिसाब से चलना होता है, क्योंकि चाहे मशीन्स हैं आप डायग्नोज कर लो कुछ भी, वो सारा चीज वो नहीं बता सकती हैं, तो हम हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करें, और जो अभी जो हमारे डॉक्टर हैं वो भी एक्सपीरियंस हैं, जो हमारी टीम है वो भी एक्सपीरियंस हैं, तो हमारी जो लोग हैं वो सब एक दूसरे से हम पूछते हैं, रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट डायग्नोस्टिक जानवर को दे पाएं ताकि ऐसा होना, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार, जैसे आज कल सुबह एक पपी आया था, बहुत प्यारा पपी था, वो गाड़ी से हिट हुआ, हम एक्सरे मशीन में ले गए, वो एक्सरे भी नहीं हो पाया, गुजर गया, और वो लड़की बहुत रो रही थी, तो कई बार उस केस में फिर हम थोड़ा समझाते हैं, बात करते हैं, काउंसिल करते हैं, और कई बार ऐसे भी लोग आते हैं कि डॉग को इंजेक्शन लगाते हुए भी नहीं देख सकते हैं, रोने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, डील करना पड़ता है, हो जाता है मैनेज। उस इमोशन से मैं भी अटैच्ड हूँ, क्योंकि जब मेरे डॉग की डेथ हुई थी वो मैं अगला एक महीना मेरे लिए काफी ट्रॉमेटिक था, आई लिटरली वेंट टू द डॉक्टर, माय डॉग डाइड फॉर अ ईयर, एंड द थिंग्स दैट आई डिड टू कोप अप विद दैट आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन टू डू दोस, बट देन अगेन फिलहाल कमलेश जी एंड बेकी बोथ ऑफ यू, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू रिक्वायर एज ऑफ नाउ दैट दिस शेल्टर होम, दिस मेडिकेशन होम नीड्स, इफ यू कैन सेंड अ मैसेज टू द पीपल, बिकॉज़ काफी लोग होंगे मेरे ऐसे जो आपको आगे खाना एटलीस्ट फीड भी बेसिक मेडिकेशन के लिए या तो पैसा या फिर मेडिकेशन भेजेंगे, दैट विल हैपन, बट व्हाट इज द नीड राइट नाउ, व्हाट डू वी नीड इमीडिएटली टू मेक थिंग्स मोर कंफर्टेबल फॉर यू। तो अभी तो जैसे मानसून सीजन आ रहा है और लास्ट ईयर मनाली में जिस तरह की फ्लड आया था, रोड भी बंद हो गए थे, दवाइयां भी टाइम से नहीं पहुंच पा रही थी, तो अब मानसून और एक ऐसा सीजन है जहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स रहता है डॉग्स का, क्योंकि मेटिंग सीजन होता है, कुत्ते लड़ते हैं, बड़े बड़े वुंड वाले डॉग आते हैं, तो मेडिसिन का हमें अभी बहुत जरूरत है, हमारा बिल भी पेंडिंग है और हमें दोबारा से नया स्टॉक मंगाना है टाइमली, ताकि अगर इनकेस रोड वगैरह, क्योंकि दवाइयां हमारी काफी दूर से आती हैं, जैसे पालमपुर से आती हैं, रोड वगैरह बंद हो जाए तो टाइम से पहुंच जाए, तो मेडिसिन की हमें सख्त जरूरत है। दूसरा जैसे डॉग्स का खाना हो गया, हम लोग इनको चावल, न्यूट्री, एग्स, चिकन देते हैं, तो लोग वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इन काइंड डोनेशन में ब्लैंकेट्स वो लोग दे सकते हैं, क्लीनिंग सप्लाई जैसे हमारा यूज़ होता है वो दे सकते हैं, लेकिन अभी जो हमें हम मेन वो कर रहे हैं वो मेडिसिन के लिए हम कर रहे हैं मानसून टाइम में। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर शेल्टर? Well, I mean, we're always trying to improve, basically, and expand. So, you know, when we first started, our aim was to get, for example, a CBC machine, okay. Then the biochemistry, then it was the X-ray. So from my background and what I'm interested in, I always want to improve the diagnostics.
You know, so I'm always looking at the next piece of diagnostic equipment that we can get. You know, so I've already got my plan, you know. So we want to improve our, and also improve our surges. But at the moment, when we do surges, we're using injectable top-ups. We want to get an inhalant anesthesia machine, which is a lot safer for the animal. It makes the whole surgery a lot smoother, improves the recovery and everything. So equipment, things like that, to just improve the standard of care that we offer is always on the high list. And just also improving the area that the dogs have to stay in while they're here at Manali Straits. The fencing that we have up at the moment is from when we very first started, and it was a case of this was all open, dogs were coming, we had to just put something up. So, you know, we hadn't done it before, we didn't really know the best thing to do. So now we've realized that the gap's too big, we need to make smaller gaps, we have to do a certain thing. So we want to refence the whole, you know, back area as well to improve it for the dogs, because at the moment they can jump over into other pens and then they can fight. So things like that are always on the list of improvements. जैसे कि आपने देखा मनाली स्ट्रेज हरिपुर के अंदर है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स और सोशल मीडिया के हैंडल्स और जितने भी कैंपेन रिलेटेड लिंक्स अगर जो भी चल रहे होंगे वो भेज दूंगा मैं. मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हेल्प देम एज मच एज यू कैन, इन काइंड, इन कैश, मेडिकेशन, फूड, क्लोथिंग, जो भी आपकी तरफ से बन पड़ता हो. अगर आप वॉलंटियर कर सकते हैं, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए, अगर आप यहाँ पे कुछ एक महीने, दो महीने, तीन महीने के लिए कभी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ गो एंड डू दैट. एनी मैसेज दैट यू वुड वांट टू सेंड टू आवर पीपल एंड एनीथिंग फ्रॉम योर हार्ट टू द जस्ट टॉक यू गो वैकी. ये यार कि हम सब लोगों को दया भाव होना चाहिए, केयर होना चाहिए जानवर के लिए. और हम लोग तो यही बोलते हैं यहाँ इस, क्योंकि हम कुल्लू में हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी जानवर दिखता है हमारे हेल्पलाइन में फ़ोन करें तो हम जाके हेल्प करेंगे, या आप यहाँ आके जो बेसिक फर्स्ट एड है वो सीख सकते हैं ताकि हर जगह हमें ना जाना पड़े. और हाँ, सपोर्ट करें ऐसे काम को जो भी ऐसे कहीं भी काम कर रहे हैं इस तरीके के, क्योंकि जानवरों के लिए बेचारे ना वो बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो हम लोगों को ही उनको हेल्प करनी पड़ेगी. आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी मदद करें और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो एक्सपेंड हो और उसके साथ साथ काम भी आपका कम हो, क्योंकि जितना काम कम होगा दैट मीन्स कि सड़क पर चीज़ें सही चल रही हैं. बड़ा समय देने के लिए धन्यवाद कमलेश जी, बहुत थैंक यू आप आए हैं. थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू गाइस एंड होपफुली वी विल स्टे इन टच एंड मे बी आई विल वॉलंटियर टू स्टे फॉर अ मंथ और सो. बट थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.